अगर हम एटम की मॉडर्न पिक्चर की बात करें तो पॉजिटिव पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है जिन पे, और न्यूट्रॉन होते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों का मास लगभग बराबर होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है। और अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है और वो 1.67 × 10⁻²⁷ kg के बराबर होता है। अगर किसी एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो उस पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर किसी न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। और अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 1840 गुना कम होता है प्रोटॉन से, 1840 times स्मॉलर होता है प्रोटॉन के मास से। अगर न्यूक्लियस के साइज़ की बात की जाए तो लगभग 10⁻¹² cm की रेंज में होता है, और एटम जो होता है वो 10⁻¹² cm होता है। एटम न्यूक्लियस से 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 600 BC के अंदर अंबर एक पीले रंग का पत्थर होता था, उसको अगर अपने बालों या वूलन किसी ऑब्जेक्ट से उसको रब करते थे तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे पत्तियां होती हैं उनको अट्रैक्ट करने लग जाता था। एक थोड़ा सा BC और AC के बारे में बता देता हूँ। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले का समय हो जाए उसको BC कहते हैं, और बर्थ ऑफ क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एनो डोमिनी कहते हैं या ED कहते हैं। तो ये जो पीले रंग का पत्थर था जिसको अंबर कहते थे, उसी का ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी नाम ओरिजिनेट हुआ है। जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। उसको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की नॉलेज नहीं थी, उसने सिर्फ ये बताया कि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। और पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव जो लाइक चार्जेज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई किसी चीज़ पर चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये दो तरह की होती है। पॉजिटिव चार्ज जिसका एंशियंट नाम है विट्रीसियस विट्रियस, और नेगेटिव चार्ज जिसका एंशियंट नाम है रिसाइनस। तो एक बॉडी जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसको न्यूट्रल कहेंगे, और एक न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पार्टिकल कहलाता है एटम का, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो किसी भी चार्ज पर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है।
चार्ज के बेस पे मटेरियल को डिवाइड करें तो तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करें, इंसुलेटर वो जो चार्ज के फ्लो को अलाउ ना करें, और सेमीकंडक्टर इनके बीच की चीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में कंडक्टर की तरह काम करेगी, अदरवाइज इंसुलेटर की तरह काम करेगी। चार्जिंग करने के तीन तरीके होते हैं, फ्रिक्शन से चार्जिंग की जा सकती है जो कि इंसुलेटर्स में होता है, कंडक्शन से चार्जिंग की जा सकती है जैसे मेटल और कंडक्टर्स में होता है, या इंडक्शन से चार्जिंग की जा सकती है वो भी मेटल और कंडक्टर्स में होता है।